Assalamualaikum everyone. Freelancing के अबाउट हम जो है कुछ चीज़ें डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं जो freelancing करना चाहते हैं या जो हमारे सेंटर से बिलोंग नहीं भी करते, जो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, तो हमसे वो बार बार ये चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि freelancing के ऊपर अगर लोग कमा रहे हैं, हमने सुना है, तो हम कैसे कमाएं, freelancing है क्या, ये सारी चीज़ें हमें जो है डिस्कस करनी है। ठीक हो गया, तो हमारे पास एक्चुअल में होता ये कि फ्रीलांसिंग के कुछ क्वेश्चन जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर एड है वो हमसे पूछते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए, जो नहीं भी पूछे गए, तो हम उनको थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिस्कस करें, ताकि वो कुछ बच्चों के लिए या जो हमारे पास सेंटर से जो है बाहर भी कुछ हमारे दोस्त हैं या हमारे पास जो भी पाकिस्तानी भाई हैं, जो भी वर्ल्ड वाइड हमारे पास एक्सेस कर रहा है हमें, तो उसको हम जो है कुछ ना कुछ अपने जो पर्सनल पॉइंट्स हैं जो हमने खुद सीखे हैं वो शेयर करें। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जो लाइव यानी लाइव सेशन है तो जो देख रहे हैं उन सबको भी मेरा सलाम है। और सेकंड ये कि हमें पता है कि हर किसी के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहन के अंदर फ्रीलांसिंग के हवाले से, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो सारे तकरीबन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कुछ फाइंड आउट करके रखे हैं। तो उसी हवाले से हम हमारे ये मोस्ट सीनियर फैकल्टी हैं सर अमजद, सही है, तो इनसे हम डिस्कस करेंगे, वो सारे क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे, वो आपको इंशाल्लाह आंसर देंगे, जिससे आपकी जो भी क्यूरी होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो एक सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि फ्रीलांसिंग है क्या। तो सर थोड़ा एक तो ओवरव्यू दे हमें कि फ्रीलांसिंग है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास फ्रीलांसिंग है क्या, तो भाई फ्रीलांसिंग एक समझ लेंगे, हमारे पास इंडिपेंडेंट जो भी बंदा इसे काम करना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ एक यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो मैं डिपेंडेंट हूँ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यानी जब तक मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ या जब तक ऑर्गेनाइजेशन है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जो बंदा एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं। एक्चुअल में हमारे पास क्या हो रहा है कि फ्रीलांसिंग एक कॉन्सेप्ट है जो आप जहाँ पे वहां पे जाके अपना काम करते हो, यानी वर्क प्लेस एक प्लेटफॉर्म है या आपके पास एक ऐसी लोकेशन है या एक मार्केट है जहाँ पे आप अपनी जाके जो स्किल्स हैं वो सेल करते हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये जो अक्सर कंफ्यूज रहता है स्टूडेंट्स और मोस्टली गूगल कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन वर्क को ही कहते हैं या कुछ इंडिपेंडेंटली जो भी वर्क हो। नहीं, आप तो हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पास जो फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है उसको लोग ये समझते हैं कि हमारे पास फ्रीलांसिंग में अगर कोई बंदा आता है तो सबसे पहले तो उसको पता नहीं होता कि कहाँ से काम मिल रहा है, क्योंकि अगर स्किल आते भी है ना बंदे को, या फॉर एग्जांपल किसी मार्केट में जाके अपना शॉप लगाते हैं, अब शॉप तो लग गए, लेकिन शॉप लगाने के बाद हमें क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, सही, देयर इज अ रीजन। तो हमारे पास भले हमें स्किल आते हो लेकिन स्किल आने के बाद आपको काम चाहिए, अब काम मिलेगा तो आपके स्किल यूटिलाइज होंगे, जाहिर है वो बंदा आपको तब पैसे देगा जब आप अपने स्किल्स उसको देंगे। तो हमारे पास एक्चुअल में होता है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर आप किसी भी तरह का काम कर सकते हो, चाहे वो काम लॉन्ग टर्म हो या हमारे पास शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो रिमोट बेसिस हो या चाहे वो हमारे पास शॉर्ट टर्म। अच्छा, अब हमारे पास यह ऑन साइट जो हमारे पास होता है, अब हमारे पास बात जो आती है रिमोट और ऑन साइट का, ये क्या सीन है, तो हमारे पास ये होता है कि फ्रीलांसिंग लोग ये समझते हैं कि भाई किसी बंदे ने काम दिया, आपने करके दिया, दैट्स फ्रीलांसिंग, ऐसा कोई नहीं होता। हमारे पास कभी कभार रिमोट बेसिस पे भी काम करना पड़ता है। अब रिमोट बेसिस क्या है हमारे पास, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किसी बंदे से काम करवाना है, मैं चाहता हूं मेरे सिस्टम को कोई बंदा अभी एक्सेस करके, जो डेवलपर है या जो भी बंदा है जिससे मैं अपना स्किल या जो उसके स्किल यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ एक्चुअल में मैं उस बंदे को बोलता हूँ कि मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करें और यहाँ पे कोडिंग करें। और सबसे बड़ा मसला किसी डिजाइनर और डेवलपर के लिए यही होता है कि वो बंदा आपको लाइन दे रहा होता कि आप क्या कर रहे हैं। वैसे तो आप फॉर एग्जाम्पल चीट करके कहीं से कोड उठा के पेस्ट करके किसी और से करवा के तो दे देते हो, लेकिन जो ये हमारी चीज है कि ऑन रिमोट पे जब आप काम कर रहे थे तो उसके लिए आपके अच्छे स्किल होना जरूरी है, यानी हम जो क्लाइंट है उसकी रिसोर्स यूज करना उसको भी कर सकते हैं। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन जो है क्या फ्रीलांसिंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास फ्रीलांसिंग क्यों करते हैं,
तो हमारे पास होता है कि फ्रीलांसिंग भाई दो तरह की जॉब्स होती है, एक होती है फ्रीलांसिंग जॉब्स, एक होती है एक दूसरी जॉब्स होती है जो हमारी ऑनलाइन संभाल लेंगे हमारे पास, जो फ्रीलांसिंग जिसको हम कह रहे हैं ये ऑनलाइन जॉब। अब फ्रीलांसिंग को करने के हजारों रीजन है अगर आप स्टार्ट करते हो कि भाई फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर संभाल बंदे के माइंड में होता है क्यों की जाए। भाई सबसे पहला जो एम है, सबसे पहली जो चीज है वो पैसा, पैसा ठीक है, तो पैसा कमाना है और उसके बाद आप चाहते हो पैसा कमाया जाए लेकिन इज्जत से मिले, ठीक है, उसमें किसी तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसके बाद आपके पास कोई ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कुछ चीजें होती है कि भाई हमारे पास जो बंदा कमाना चाहता है वो चाहता है मैं कुछ अच्छा कमाऊं, उसके बाद कमाने के बाद सबसे बड़ा मसला होता है ट्रेडिशनल जॉब्स के अंदर कि हमें जो है वो लीज़ का इशू होता है, हमें जो है भाई हर महीने हर ये अपनी मर्जी से आप काम नहीं कर सकते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं बॉस का पेंशन अदालत की है तो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले कि हमारे पास अगर आप खुद अपने सवाल खुद मुख्तारी के साथ काम लेना चाहते हैं तो प्लीज गो एंड डू योर फ्रीलांसिंग। अगर इसको मैं यूं को मेरा काम मेरी मर्जी तो ये सही हो जाएगा, ठीक है चल। अच्छा सर, तो फ्रीलांसिंग के अक्सर ये कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सही है, तो जो भी नया अगर कोई फर्स्ट करियर अगर मैं न्यू हूँ इस फील्ड के अंदर फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या चॉइस होगी कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है मैं इसको एक्सेस करूँ फ्रीलांसिंग के लिए, ये बेस्ट है तो ये इजी भी है। सही। अच्छा सबसे पहले सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये होता है जो एज अ बिगिनर कर रहे होते हैं वो एक ही जगह दुकान लगा के फिर देख रहे होते हैं कोई ना कोई कस्टमर आएगा 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 ये वाला सीन है। तो हमारे पास फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ इसीलिए है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इदारे के अंदर अप्लाई करता हूँ वहां मेरी जॉब नहीं होती तो जाहिर है मैं वेट करता रहूंगा जब तक वो बुलाए, सही नहीं ना, मुझे आई हैव टू अप्लाई इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस अंदर। तो जैसे ट्रेडिशनल जॉब्स के अंदर आप हर ऑर्गेनाइजेशन में या 15 ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर देते हैं जिसने बुलाया अब वहां चले जाते, इसी तरह से आपके जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां पे वो आपसे कुछ कमीशन लेते हैं, जाहिर है उनको भी कुछ कमाना है तो हमारे पास वो आपसे कुछ कमीशन लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ जो हमारे फ्रीलांसिंग संभालने के प्लेटफॉर्म है वो 20% लेते हैं। अब हमारे पास बात ये आती है कि दुकान कहाँ लगानी चाहिए या कहाँ पे हमें अकाउंट खोलना चाहिए, तो भाई हमारे पास जो टॉप 4 या 5 हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो दो तरह के जो है यूजर्स के लिए होते हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल एक होते हैं बिगिनर। तो अब बात की जाती है बिगिनर की, तो बिगिनर की बात इस तरह से तो बिल्कुल जो है डायरेक्ट चले जाए फाइवर या हमारे पास अपवर्क है या हमारे पास गुरु है, ये सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फाइवर लें क्योंकि बेशक वहां पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि एक पूरी मार्केट है या एक पूरी लाइन है स्ट्रेट है फूड स्ट्रीट है वहां पे ऑलरेडी 15 जो है रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं टॉप लेवल के, तो वहां पे अगर मैं 16th वन रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह की चीजें हो कि वो स्टूडेंट या वो सॉरी कस्टमर्स मेरी तरफ आए। इसी तरह से जब आप किसी कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहां पे कुछ ऐसा लेके जाओ ठीक है जो आपके पास बंदे खुद आए, अगर खुद नहीं आए तो फिर होती एक चीज मार्केटिंग। सही। अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल है तो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो आपके पास कोई इदारा हो या कुछ भी हो उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेस्पॉन्स कर लेते हैं तो वो बाहर खड़े होके बुला रहे होते हैं कस्टमर्स को ताकि वो बैठ के उनके पास खाना या व्हाटएवर, तो ये होती मार्केटिंग। इसी तरह से आपके पास एक तो स्किल होने चाहिए, मार्केटिंग भी काम नहीं करती कि फॉर एग्जाम्पल बुलाया जाए पहुंच गए तो उसके बाद सत्यानाश की है, तो स्किल्स लाजमी है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर स्किल ना भी हो तो बंदा काम कर सके, तो भाई कम से कम प्राइमरी स्किल तो जरूरी है। अब कौन से स्किल है, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है या आपकी जो इंग्लिश है वो जरूरी है क्योंकि आप यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ फ्रीलांसिंग करते हो तो आपका कॉम्पिटिटर वर्ल्ड ये लोकल मार्केट नहीं होती आपका वर्ल्ड होता है वर्ल्ड के साथ कॉम्पिटिशन होता है ये। और दूसरी बात जब कोई क्लाइंट काम देता है तो वहां पे बिड लगाने या बोली लगाने हजारों लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कस्टमर मुझे ये काम करवा दो
तो उस बंदे को आप समझ लो ऐसे डेवलपर्स या डिजाइनर्स या वो फ्रीलांसर्स घेर लेते हैं जैसे उनके लिए आप समझ लो कि मछली के लिए खाना होता है इस तरह से। तो हमारे पास जब कोई काम या जब कोई रिक्वेस्ट या जब कोई आप समझ लो हमारे पास कोई बायर आपको काम दे रहा होता है तो आप एज अ फ्रीलांसर एज अ सेलर आप क्या कर रहे होते हो, आप वहां पे रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो, बिड लगा रहे होते हो, ये सारी चीजें होती है। तो हमारे पास ये जो बिड लगाना है वो आपकी है वैलिड और आपकी अच्छी बिड हो। ऐसा सबसे पहले मैं अगर कंसिडर करूंगा हमारा मसला क्या होता है, जो बिड लगा रहे होते पढ़ भी नहीं होते, वो वर्ड में कॉपी करके लिखा होता है डियर सर मुझे ये काम चाहिए, इंग्लिश में आप पूरा लिख दो, आई हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स, फला फला फला। फिर वो जब बिड करता है तो भले प्रोजेक्ट डिजाइनिंग का वो डेवलपिंग की चीजें लिखी होती है वो पढ़ाई नहीं। हाँ, तो पहले तो आप उस बंदे की पूरी बिड पढ़े, इससे बंदा वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ये जो बंदा है वो पढ़ के मुझे बोल रहा है कि मैं इसको काम आता हूं। और दूसरी चीज आपका पोर्टफोलियो जरूरी है, यानी प्रीवियस वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हमारे पास तो प्रीवियस वर्क ही नहीं है, तो भाई दोस्ती यारी जो है निभाओ उनसे, कुछ जो ऑलरेडी किए हुए प्रोजेक्ट हैं आप खुद यहाँ पे ही प्रोजेक्ट बनाते हैं उनका एक सिंपल सा पोर्टफोलियो, किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ कलर वगैरह से, वहां से इसको डाउनलोड करो, फ्री जो हमारी होस्टिंग होती है उस पर होस्ट कर दो, वो अपने प्रोजेक्ट के सॉरी अकाउंट के अंदर एड कर दो, जब भी किसी को बिड लगाओ अपना पोर्टफोलियो का लिंक दे ताकि वो फिर आपकी जो भी आपने काम किया है जो भी वर्क किया है वो उसको देख के, हाँ देख के फिर आपको काम दिया, क्योंकि ऑनलाइन है आपके पास तो आए नहीं कुछ चल करके आप दिखा सको अपना लैपटॉप ओपन करके। तो जब तक हमारे पास जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट है जब तक वो फेमस नहीं होता तब तक उसको यही करना पड़ता है मार्केटिंग। अच्छा सर एक क्वेश्चन ये, अभी आपने जो फ्रीलांसिंग की ये नाम बताए फ्रीलांसर ऊपर के जो फेसबुक से भी अक्सर जो है हमें वर्क मिलता है तो वो भी फ्रीलांसिंग के अंदर ही आता है कि पेजेस ऐसे क्रिएट हुए हैं फेसबुक वगैरह पर और एक नहीं बहुत सारे। चलो आप मैं अगर फाइवर पे गया मुझे क्या होता है इरिटेट हो रहा हूँ अभी बिगनर हूँ मेरे पास क्लाइंट मैं इरिटेट हो रहा हूँ अकाउंट बनाऊंगा ये बनाऊंगा तो फेसबुक पे भी क्या ऐसे बहुत सारे पेजेस हैंगे जिसके अंदर हमें इजीली वहां तो जाता आपको कुछ नहीं अच्छा पेज लाइक करना है मुझे काम मिल सकता है इसपे बता दिया। अच्छा ये हो गया तो ये फ्रीलांसिंग के अंदर आएगा या नहीं आएगा आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये फ्रीलांसिंग है लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो है स्किल के हिसाब से, ये कोई भी कर सकता है कोई भी बंदा जो आपकी संभल ले। अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में जैसे आप बोल रहे हैं पेजेस के लाइक्स तो ये सारी चीजें या बैनर्स बनवाना उनको जो है आप संभल ले शेयर करवाना ये पूरा फ्रीलांसिंग में ही आता है जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो या सोशल मीडिया इस तरह से लेकिन आता है अच्छा दूसरी चीज मैं यहाँ पे ऐड करूं कि कुछ जो हमारे पास कुछ ग्रुप हैं पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर जहाँ पे भी हमें काम मिलता है ठीक है और हमने खुद किया है एक क्लाइंट था उसका मैंने काम किया वो बीच से छोड़ के माशाल्लाह चला गया अरे काम भी लेके चला गया तो इनकी जिम्मेवारी होती है कि अगर कोई बीच से बंदा जाता भी है तो आप उसका ये समझे कि उसके साथ भी कुछ होगा सही है ठीक है उसकी ट्रेनिंग वगैरह जैसे अभी मैंने फाइवर का प्रोजेक्ट कम्प्लीट किया था उस बंदे ने क्या किया कि वो थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट दिया उसने मैंने कंप्लीट किया दूसरा काम दिया सुबह में उस बंदे ने बोला कि मुझे वो कंटिन्यू नहीं करना तो मैंने उसको बोला मेरी रेटिंग पूरी गिर जाएगी और वो गिरी लेकिन उसका मैंने क्या किया कि रिपोर्ट कर दिया फायर वालों को तो उसकी रेटिंग भी मेरे साथ गिरी ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे एक दूसरा प्लेटफॉर्म आया जो सिर्फ पाकिस्तान के ही संभाले फ्रीलांसर्स के लिए वो एक हमारे पास से वर्क चेस के नाम से एक वेबसाइट है जो अभी पाकिस्तान के ही संभाले किसी डेवलपर सर निशाम सरवर उन्होंने बनाई है और वो जो है कंटिन्यू कर रहे हैं तो जो मोस्ट ऑफ दी संभाले हमारे फ्रीलांसर हैं या जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो काइंडली आप उसको जो है यूटिलाइज करें वहाँ पे अकाउंट बनाए जैसे अदर प्लेटफॉर्म है उन पर भी अपना अकाउंट बनाए और कोशिश ये करें कि भाई अपना जो पैशंस है वो जो है कंटिन्यू करें क्योंकि हम 2 दिन 10 दिन 15 दिन ट्राई करते हैं उसके बाद अगर काम नहीं मिलता तो फिर हम कहते हैं भाई छोड़ दो हमसे तो अगर हम एक नॉर्मल भी कोई बिजनेस ऑपन करें तो 2 या 3 दिन के अंदर तो मेरा निकाल के कोई स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे टाइम देना पड़ता है।
अच्छा सर, who can be a freelancer? अच्छा यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो है हमारे पास ये आता है कि जैसे एपटेक के स्टूडेंट है वो बोलते हैं कि हमसे कोई फ्रीलांसिंग होती नहीं है भाई। उसकी वजह सिंपल ये होती है कि बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि हमारे पास जो स्किल यहाँ होते हैं या जो हमारी स्किल डिजाइनिंग डेवलपिंग या जिस तरह की भी डेवलपिंग या डिजाइनिंग होती है, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की हो, मोबाइल एप्लीकेशन की हो या वेब की हो, तो हमारे पास यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि फ्रीलांसिंग नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ा बेनिफिट ही एपटेक, उसकी वजह सिंपल ये है, या जो भी इदारे मल्टीपल स्किल्स पे आपको पढ़ा रहे हैं, कि नहीं आप एक स्किल लेके नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉप खोलूं, एक ही चीज रखूं, तो नहीं चलेगी। ज्यादातर मैं कस्टमर्स को जो है क्या टारगेट नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या है कि कोई भी स्किल आप आ जाए ना हमारे पास है। अब उसके बाद अब यहाँ भी होता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक स्किल से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसी पे मैं टिकूंगा फ्रीलांसिंग में, तो ये कभी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट तरह का काम आता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 15 स्किल लेके जाए, लेकिन एक दो स्किल भी ऐसे लेके जाए जो बंदा आपके काम से खुश होके बाकी काम भी दे, या आप बाकी जब यूजर्स या कस्टमर या बायर्स को जब अपने जो है काम के लिए कुछ कहें तो वो आपको जो है कुछ ना कुछ एंटरटेन करें इस तरह से। सर, कोई भी फ्रीलांसिंग वैसे तो बहुत सारी स्किल्स हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि कौन फ्रीलांसिंग कर सकता है, ये हमने स्टूडेंट के हिसाब से बोला। अच्छा, हमारे पास कुछ और जो है कह रहे होते हैं कि जो जॉब कर रहे थे जैसे हम हैं, तो जब आप ट्रेडिशनल जॉब ही कर रहे होते हैं तो तब भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट टाइम नहीं है कि भाई इसमें ही फ्रीलांसिंग होगी इसमें नहीं होगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। या कोई बंदा जो फुल टाइम फ्रीलांसिंग करना चाहता है वो भी कर सकता है। अब सबसे पहली बात कि जो स्टूडेंट है उसके लिए फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि देखें हमें शायद कुछ लोकल काम मिल जाता है, स्टूडेंट के लिए लोकल काम मिलना बहुत बड़ा मसला है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी को कोई ना कोई जाके बोलता है भाई सॉफ्टवेयर बना के दो, किसी स्टूडेंट को कोई थोड़ी बोलेगा कि मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो। तो हमारे पास फ्रीलांसिंग के अंदर ये होता है कि कोई भी बंदा जब जाता है तो उसको एंटरटेन किया जाता है, उसको काम दिया जाता है on these kind of platforms, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आपके कितने का इस तरह से। अच्छा सर, कोई भी हम फ्रीलांस स्टार्ट करने हैं तो कौन से स्किल चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? अच्छा, अब सबसे पहले होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग की या ग्राफिक डिजाइनिंग की चीजें बहुत टॉप पे आ रही है जब आप फ्रीलांसिंग पे जाते हैं, या वो टॉप सेल पे सर्विसेज होती है ना वो है, तो मुझे वही सीखनी चाहिए भाई। सर कुछ नहीं होता, जो आपको आता है पहले तो उससे स्टार्ट करें। अब सबसे पहले होता है कि हमारे पास ये होता है कि अगर आपको कोई स्किल आती है चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको डेटा एंट्री भी आती है तो उससे स्टार्ट कर लो। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम जो अकाउंट बनाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो अकाउंट हमारे स्किल से मैच ही नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट बनाया है मैंने वेब डिजाइनर, उसमें मैं गिग लगा रहा हूँ आप समझ लें कि डेटा एंट्री की, तो वो बंदा ही समझ जाएगा कि भाई ये डिजाइनर है, ये डेटा एंट्री कहाँ से करता होगा। तो इसी तरह से अपने जो अकाउंट की आपने पूरी चीजें दी हैं, जो स्किल सेट दिया है उसी हिसाब से अपने गिग बनाए और कुछ स्पेसिफिक अच्छे से कीवर्ड यूज करें और खुद सर्च करें जाके वहां पे कि किस तरह के कीवर्ड से जो हिट्स आ रही है। एग्जांपल देंगे जैसे फर्स्ट करें मैं पीएचपी डेवलपर, हां सही है, तो ऐसे कौन से कीवर्ड्स होंगे जो मैं यूज करूं? अच्छा देखिए, जैसे आपने फ्रीलांसिंग की है हाँ, तो आपको बताऊंगा ये वो कीवर्ड्स हैं पीएचपी के अंदर, ताकि आईडिया हो जाएगा कि ये वो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा मेरी अभी गिग लगी हुई है जो माशाल्लाह जब भी कोई सर्च करता तो आ जाती है टॉप पे या सेकंड थर्ड पे आ जाती है, क्योंकि आपके गिग पे जितने प्रोजेक्ट ज्यादा बनाए जाएंगे वो गिग ऑटोमेटिक टॉप पे आती जाती है। अब गिग क्या है? गिग उस बायर के लिए होती है जिसको काम चाहिए। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप किसी जो है जाके जाते हैं ना किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, उसके रेट फिक्स होते हैं कि मैं 400 रुपए में सिर्फ आपके घर के अंदर भले एक स्विच भी खराब होगा मैं 400 लूंगा। इसी तरह से फ्रीलांसिंग के ऊपर आप आवर्स में जो है अपनी गिग में बता देते हैं कि मैं एक घंटे के इतने पैसे लेता हूँ, दो घंटे के इतने पैसे लेता हूँ। अगर आपको इंटरमीडिएट गिग है या आप समझ लें आपको जल्दी से कोई काम चाहिए तो मैं उसके अलग से चार्ज करता हूँ,
ये हो जाता है। और उसके बाद कीवर्ड्स जो आप बात कर रहे हैं किस तरह से लगाने चाहिए, तो देखें कीवर्ड्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे कीवर्ड बन के मिलते हैं, ये भी है। दूसरी चीज, आप जिस तरह की गिग लिख रहे हैं पहले जाके उस प्लेटफॉर्म पे सर्च करो, ठीक है, तो आपको एज अ बायर लगा और वहां पे जाके सर्च करने पहले गिग्स, क्योंकि आप अकाउंट बनाते हैं ना, आप चीजें या अपने स्किल सेल भी कर सकते हैं और अपना कोई काम किसी और से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट जो एक बनता है ना, अब जैसे फाइवर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक ही अकाउंट से आप किसी से काम करवा भी सकते हैं और किसी का काम कर भी सकते हैं। तो एज अ बायर जाए सर्च करें कि जब मैं सपोज डेवलप लिख रहा हूं तो कौन सी गिग टॉप पे आ रही, तो उस तरह के आपको कीवर्ड अपने गिग में डालने हैं और फिर उसी कीवर्ड से आपको जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होती है वो शो होती है। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं कि सर हमारी स्किल फॉर एग्जांपल थोड़ी सी है और वहां पे काम कुछ अलग सा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएचपी की बात करूं तो हमारे बच्चे अगर पीएचपी वगैरह पढ़ के जाते हैं, अब उसमें थोड़ी सी भी अगर अलग से काम मिल जाए तो बच्चे हमारे भाग जाते हैं कि भाई ये कहाँ से होगा मेरे से। फॉर एग्जाम्पल कोई ई मेल संभाल लें सेंड करवानी है, या आपके एक ही संभाल लें क्लिक पे मल्टीपल मैसेजेस सेंड करवाने हैं वेबसाइट के थ्रू, तो ये काम कैसे होगा। तो भाई डरे मत, उसको जिसकी सर्चिंग बहुत अच्छी होती है वो टॉप लेवल का फ्रीलांसर होता है। क्योंकि देखें बहुत सारा काम तो हमें ऑनलाइन मिल जाता है, जो भी काम आपको कोई बायर देता है वो ऑलरेडी किसी न किसी डेवलपर ने किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे किया होता है। अब कुछ जाहिर है आपको पता तो मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है, ठीक है, तो नॉन टेक्निकल बंदा तो करेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, अब अगर आपको लग रहा है कि भाई 75% भी मुझे काम आ रहा है 50% भी आ रहा है, तो भाई काइंडली उस काम को उठाएं, ठीक है, और उसको स्टार्ट करें। कोई मसले आते हैं तो उसको सीखें बजाय उसको इग्नोर करने के या सिर्फ डर जाने के, अपने अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा फॉलो करें। ये आपके इस बिजनेस में है, किसी भी बिजनेस में आपके पास रिस्क तो है ना, तो इसमें भी आपके पास प्रोग्रामिंग है या कोई भी स्किल होते हैं उससे आप कोई ना कोई नई चीज सीखते हैं, कोई ना कोई चीज होती है। फ्रीलांसिंग पे कोई आपको नहीं सिखा रहा होता, बल्कि आप लोगों से काम लेंगे कुछ नया सीख कर रहे हो, और उसके जो रिमार्क्स होते हैं वो आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। अच्छा सर, कोई ऐसे स्किल्स बताएं जो इम्पोर्टेंट होती है कोई भी फ्रीलांस को स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, तो हमारे पास होता क्या है कि कुछ स्किल जो मकसद मेजॉरिटी ऑफ फ्रीलांसर सोच रहे होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अभी मैं एक बिल्कुल नया हूं, मुझे क्या सीखना चाहिए या किस तरह की चीजें जो टॉप सेल हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले या तो पैसे के हिसाब से अपने इंटरेस्ट को कुर्बान करें, ठीक है, तो अपना कोई स्किल इस तरह का सीखें जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो लेकिन आपका जो खुद का इंटरेस्ट होगा वो फॉलो नहीं होगा, यानी अर्निंग ज्यादा है। हां, ये स्किल सीखनी है इसकी अर्निंग। अच्छा, मेजॉरिटी हम करते भी वही है, मेजॉरिटी हम क्या कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो ग्राफिक डिजाइन पे बहुत पैसा है तो बंदा जाके ग्राफिक डिजाइनिंग सीखता है, चाहे उसको मजा दे रही हो काम में नहीं है, भाई सीखो क्योंकि पैसा आ रहा है। तो या तो फिर अपने इंटरेस्ट को कुर्बान करें या फिर उससे स्टार्ट करें जो आपका इंटरेस्ट है, इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि फ्रीलांस, एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए। तो भाई हमारे पास फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपके अंदर एक गट्स होने चाहिए, स्टार्ट करने के लिए एक हिम्मत हो कि भाई अगर मैं कुछ काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो अपने आप से एक जो है वादा करें कि मैं जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे, जैसे मैं हूँ, मेरा अकाउंट 2018 से था, मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे कि मैंने खुद छोड़ दिया था, 2018 में छोड़ दिया, फिर 19 में स्टार्ट किया, फिर 19 में एक दो प्रोजेक्ट किए, फिर छोड़ दिया, 20 में स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास पेशेंस नहीं होती। तो आपको स्टार्ट करने के लिए पहले तो स्किल जरूरी है जो है। अब स्किल अगर आपके पास है तो स्टार्ट करें, नहीं है तो सीखें। बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म हैं, वहां से आप सीखें और स्किल ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, वहां पे अपना आप काम भेजते हो, सेलिंग क्या है उसकी, काम की सेलिंग, अब काम ही नहीं आएगा, स्किल ही नहीं आएगा, तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा सर, वो हाईएस्ट पेइंग फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन है? अच्छा, तो इसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाले बंदे आते हैं,
कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो हाई एस्ट जो गिग लगते हैं, या अगर मैं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की बात करूँ, या इंडिया है या यूएसए को कंसिडर कर लें, तो जो टॉप रैंकिंग में कंट्री है, जैसे यूएसए को अगर मैं कहूँ, तो वहाँ पे 70% फ्रीलांसर्स हैं, 30% से भी कम लोग वहाँ पे ट्रेडिशनल जॉब्स करते हैं, मेजोरिटी ऑफ जो बंदे हैं वहाँ पे फ्रीलांसर्स या एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। अब यहाँ भी होता है कि जो टॉप रिलेटेड जो है वो हमारी जो टेक्नोलॉजीज है वो हमारी आईटी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल टॉप पे कमा रही है अभी फ्रीलांसिंग के अंदर, वो हमारी आईटी, क्योंकि देखिए पूरी वर्ल्ड कंप्यूटर की दुनिया बन चुकी है, कंप्यूटर ही चाहिए और कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ही काम चाहिए। तो हमारे पास सबसे टॉप पे आती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स, उसके बाद आती है आर्ट्स, जो आर्ट डिजिटल आर्ट में जाती है, या हमारे पास जो भी आर्ट्स के जो है चीजें, उसके बाद है फिर मार्केटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको जब भी कोई काम करवाना होता है तो उसको मार्केटिंग करवानी, फॉर एग्जाम्पल हमारा इधर है तो हमें कुछ मार्केटिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक बनना चाहिए, जो फॉर एग्जाम्पल मुझे बैनर बना के दे, कोई एनिमेटेड वीडियो बना के दे, फिर उसको मैं स्पॉन्सर करवा दूँ फेसबुक से या यूट्यूब से एड लगवा दूँ, तो उसके लिए मुझे अट्रैक्टिव बैनर, अट्रैक्टिव इस तरह की चीज़ें चाहिए, या फिर मार्केटिंग स्किल्स होने चाहिए, या मार्केटिंग की जो चीजें वो ज्यादा से भी मार्केटिंग इससे रिलेटेड स्ट्रेटजी होती है जैसे, हां इस तरह से वो आपको देखनी ठीक हो। अच्छा सर, जब भी हम कोई फ्रीलांसिंग हम आए मैंने अकाउंट भी बना दिए तो हम कम्युनिकेट किस तरह करें क्लाइंट? अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कम्युनिकेशन के लिए जब बंदा जा रहा होता है उसको रिप्लाई आ जाता है, रिप्लाई आने के बाद की कहानी है कि भाई कम्युनिकेशन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कि कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम जाके वहां पे अपने गुण बता रहे होते हैं, मैंने ये किया, जाके लिंक दे दो ठीक है, और जो ज्यादा आपकी जो चीजें हैं अपने अबाउट बताने से बेहतर ये है कि आप टू द प्रोजेक्ट काम करें, यानी जो बंदा जिसको वो काम चाहिए था उसी प्रोजेक्ट के अबाउट बात करें बजाय अपने आप या उस चीज से हट के बात करें, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि जब आप बात कर रहे हो तो काइंडली सच बोले, वहां पर क्या बोल रहे होते हैं कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक मेरा दोस्त है वो क्या कर रहा था कि जब भी वो बिड लगाता है, सर्विस लगाता है, उसमें ये लिखता था कि आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन, यानी आप समझ लेंगे आई एम न्यू एट फाइवर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन बैक डेवलपमेंट ग्राफिक व्हाटएवर, उसके बाद फिर वो क्या करता है बंदा कि वहां पे भेज तो देता है, काम भी आ जाता है, अब उसके बाद करेगा तो ये ठीक है। और दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जिसको पता नहीं होता तो वो ब्रोकर बन जाए, यानी क्या होता है और कहीं कई और से करवा, हां ये भी एक है। अच्छा, अभी ट्रेंड उनके लिए जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अब फॉर एग्जांपल मैं काम उठाता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, अब काम उठा के मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि अब फॉर एग्जांपल एक साइट थी जिसकी $100 में बन सकती थी एक्चुअल प्राइस, अब बायर से उसने $50 में ले ली, अब $50 में लेके अगर वो किसी और बंदे से काम करवाएगा ठीक है, अब $50 पे फाइवर $10 तो उसकी काट लेगा कमीशन, बाकी बचे 40, अब वो अगर किसी दूसरे यूजर से करवाएगा तो वो नहीं करके देगा, और आपको टाइम भी पता हो कितने टाइम में वो काम होगा। तो अगर आप नॉन टेक्निकल बंदे हैं और आप एज अ ब्रोकर काम करना चाहते हैं तो वो भी आपसे नहीं होगा। तो स्किल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे वो आप समझ लें किसी भी तरह का काम, बेशक आप ब्रोकर होके करें कि काम उठाया ये तो किसी को दें, और आप समझ लें बात है कि अगर मुझे आईटी का काम लेना है किसी से, पहले मुझे नहीं करना तो उसके लिए मुझे स्किल्स आनी चाहिए, ताकि जो मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, उसको पता दो कि हाँ मैं कर रहा हूँ, उसकी नजर में तो मैं काम कर रहा हूँ, जबकि आप क्या कर रहे हो, आप किसी और से कर रहा हूँ। अच्छा, एक दूसरी चीज फिर यहाँ पे आप अपनी जो है समझ के रेस्पेक्ट के साथ साथ अपने कंट्री की रेस्पेक्ट भी करवाना चाह रहे हो, या आप गवाओगे तो दोनों इस तरह से। तो भाई यहाँ पे अभी हमारे पास पाकिस्तान जो है टॉप 4 जो हमारी है, 4th नंबर पे हमारा, यानी चौथे नंबर पे हमारी जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है वो पाकिस्तान। अब फॉर एग्जाम्पल आप इधर पाकिस्तानी फ्रीलांसर होके इस तरह के काम करेंगे तो वही बंदा आपके दूसरे किसी जानिए जब दूसरे क्लाइंट को ढूंढेगा और फिर से वो पाकिस्तानी देखा तो आपको फिर से वो काम नहीं मिलेगा, वो कंट्री की बेस पर सर्च एक साइड में भी उसने काम किया और वो गंदा काम करके दे दिया, तो उसके बाद उसने क्या जब सर्विस लगाई उसमें मेंशन कर दिया कि प्लीज डू सच काइंड ऑफ वर्क,
एंड नो फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के क्लाइंट्स के लिए नहीं है और वो बिड ही ना करें, ठीक है? तो इस तरह से तो हमारे पास कुछ चीजें हैं कि हमारे पास आप जब पायलट पे जाते हैं तो वहां पे मोर का एक ऑप्शन होता है, वहां पे राइट क्लिक करके आप फ्रेंड रिक्वेस्ट के अंदर जाए, सॉरी रिक्वेस्ट के अंदर जाए, तो वहां पे जब आप रिक्वेस्ट के अंदर जाते हो तो वहां पे आपने जो गिग लगाए होते हैं उन्हीं गिग्स के कीवर्ड्स के हिसाब से कुछ काम आपको दिख रहा हो। अब वो काम क्या होता है मैं समझाता हूँ, चाहे वो आप कुछ भी हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लें किसी भी तरह का काम करते हैं, जो आपने गिग लगाई है उसी के हिसाब से आपको कुछ काम तो उसके हवाले से हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर वेब डिजाइनर है यहाँ तो आप गिग क्या लगेंगे वेब डिजाइनिंग की, सही स्किल क्या लिखेंगे जो आपको आते हैं, HTML, जो भी फ्रंट एंड डिजाइनिंग है। अच्छा, फ्रंट एंड डिजाइनिंग में सिर्फ हमारी ये HTML, CSS या ये चीजें भी नहीं आती, अभी हमारे पास AngularJS फ्रेमवर्क वो भी चल रहा है, ठीक है? तो उसके भी आपको जो है वो स्किल लिख दे रहे हैं। अब दूसरी चीज, हमारे पास ये जो स्किल आप सेट लिख रहे होते हो तो जो काम मिल रहा होता है वहाँ पे वो आपके 10 ऑफर होते हैं टोटल, यानी 24 आवर्स के अंदर आप 10 बंदों को ये अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मुझे काम चाहिए, उसको ऑफर कहते हैं। तो हम ऑफर भेजते हैं उन नंबर ऑफ समले बायर्स को कि हमें ये काम चाहिए, हम फायर पे नए हैं या हमें इस तरह के, एक दिन में 10 अच्छा सुबह 5 या 6 बजे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है पाकिस्तानी जो है अलग है, कैलेंडर वहाँ पे अलग है, सुबह 5 या 6 बजे के बाद फिर से 10 ऑफर आपको मिल जाते हैं। तो हर दिन के 10 ऑफर है, तो आप पेशेंस रखें और आप बिड करते रहें। 300 बहुत सारे जो बंदे हैं या जो स्टूडेंट है उनको ये लगता है कि अगर काम नहीं मिला तो उसकी ट्रिक एक टिप हो, तो मैंने जो खुद ट्राई की थी, मेरे अकाउंट पे मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, मैंने कहा कि दोस्त है मेरे का जो ऑलरेडी फ्रीलांस पे काम करता है, मैंने उसको बोला कि भाई $5 का आप मुझे जो है काम दे, ठीक है, चाहे वो काम ना भी हो मैं आपको वैसे ही पैसे दे दूंगा, नो प्रॉब्लम, और आप मुझे वो सिर्फ जो है काम दे दें ताकि मुझे एक रिव्यू मिल जाए, कोई आपने एक इन्वेस्ट किया, हाँ, वो भी मेरे पास ही है, सही है? तो उसमें कोई समझ लेंगे बस टैक्स कटता है $1, तो हमारे साथ हुआ क्या कि वो एक रिव्यू जो मुझे मिला, उस रिव्यू के बाद जो बाकी बंदा आता है ना वो देखता है कि इसने ऑलरेडी काम किया है या नहीं है, तो फिर एक रिव्यू कम से कम ले लो किसी दोस्त या जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग करता है उससे एक रिव्यू ले लो। एक रिव्यू से ये होता है कि जो अगला बंदा आता है वो आपका रिव्यू जो प्रीवियस काम है वो देख के फिर आपको काम दे, क्योंकि हो सकता है कि उसका काम उसी जैसा हो, हां वो जो काम आपको डेफिनेटली मिल रहा है इस तरह से, ठीक है? अच्छा सर, फ्रीलांसिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इग्नोर करनी चाहिए फ्रीलांसिंग करते हैं? हां अच्छा, ये काम नहीं करना है इससे इग्नोर। अच्छा, अब जो बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं अब उनका ये है कि उनको अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता है, फॉर एग्जांपल मैं काम करके दे रहा हूं और मैंने काम करके दे दिया तो अगले बंदे ने मुझे बोला कि ये बहुत ही गंदा और घटिया काम किया तुमने, मुझे फिर से पूरा काम करके दो, तो हम उसको अपनी बेइज्जती समझ रहे हो, यानी हम जो है कहते थे दिल पे ले लेते हो, वो आसान हो जाता है, तो फिर उस काम को या उस कमिट को ये मत समझे कि वो आपको बोल रहा है, ये समझो कि वो आपके काम की जो है इंसल्ट कर रहा है, वो आपको क्रिटिसाइज जो कर रहा है वो आपकी काम की वजह से कर रहा है। तो भाई अपने अंदर ये पेशेंस रखे कि इस तरह की चीजों को पॉजिटिव लें कि हाँ मेरे काम में मसला है, मुझमें मसला नहीं है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरी पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हम चाह रहे हैं एक ही प्राइमरी स्किल पे पढ़े रहें, उसपे ही काम होता है, तो भाई अपने आप को ये भी इग्नोर करने की पॉइंट है कि आपको नया सीखना है। हर 3 मंथ के बाद कोई भी डेवलपर या टेक्नोलॉजी से जो गॉन करता है बंदा वो एक्सपायर हो जाता है, ही और शी मस्ट हैव टू लर्न अ न्यू स्किल्स, ठीक है? तो आपको इम्प्रूव होना पड़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट आती है कि अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको क्लाइंट के साथ डील नहीं करना आता,
तो फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान ये है, क्योंकि देखें अब बहुत सारे क्लाइंट ये होते हैं जिनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल $1,000 का होता है या 14,000 या व्हाटएवर जो भी है, या $500-$300 भी होते हैं, तो पाकिस्तानी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, ठीक है। और हमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमारी करेंसी लो है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी लोकल क्लाइंट में काम दूंगा तो मुझे वो 10,000 का काम जो देगा, 10,000 के काम में मुझे एक महीना भी लग सकता है या समझ लेंगे 15 दिन भी लग सकते हैं जमींदार। वही काम अगर मैं किसी और बंदे से या किसी इंटरनेशनल बंदे से उठाऊंगा तो उसकी करेंसी के हिसाब से वो आपको बहुत कुछ देगा, 10,000 की जगह पे शायद आपको 50,000 मिले। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक लास्ट थिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से इग्नोर कर गई, वो ये है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हम जो मकसद ऑलरेडी जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा है यहाँ पे, मैं कल जब इसकी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था तो उसमें एक मुझे हसन लड़का मिला पाकिस्तानी, जो मंथ के कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख कमा रहा है। अब हम ये सोच रहे होते हैं, अब उसको मोटिवेशन लो, ये मत सीखो या ये मत सोचो कि हमें आज से ही जाके वो कमाना पड़ेगा, आज से जाके मिलियनेयर। तो शायद आप उसी के इंटरव्यू सुन लो, उसमें वो क्या कहता है कि मैंने शुरू जब किया था तो मैं 5, 10, 15 इस हजारों से स्टार्ट किया था, शायद 6 महीने तक उसकी 10,000 ही इनकम थी, फिर जब वो 1 ईयर तक गया तो उसने बहुत कुछ सीखा, उसके बाद उसी आप संभालने बंदे की इनकम आज 4 सालों के बाद ये। अच्छा दूसरी चीज फिर हमारे पास ये होता है कि जब कोई स्टूडेंट जा रहा होता है इस फील्ड के अंदर तो ये सोच रहा होता है कि हम जो है जब ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो स्किल सेट जो है उसका वो कॉन्स्टेंट रहेगा, जैसे मैंने कहा तो उसको इम्प्रूव करना है। और एक साथ ये चीज भी है कि अगर मैं वेब डिजाइनर हूँ तो वेब डिजाइनर ही रहूंगा, ये भी आपकी गलत सोच है। आपको वेब डिजाइनर से हट के भी सोचना चाहिए, आप वेब डेवलपमेंट करें या आप अदर चीजें भी करें, जैसे मैंने कहा सर्विस ज्यादा होंगी काम ज्यादा मिलेगा। हाँ। जितनी अच्छी स्किल्स आ जाएंगी बड़े स्किल्स आएंगे। हाँ। अच्छा सर एक ये है कि अक्सर लोग जब फ्रीलांसिंग करते तो पेमेंट के हवाले से सोच रहे होते हैं, पेमेंट किस तरीके से, अच्छा तो कंफ्यूजन रहती है कि वो डर रहे होते हैं पता नहीं पैसे कैसे आएंगे, तो ये कभी मैं एज अ बिगिनर मुझे नहीं पता कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है पेमेंट का, किस तरीके से पैसे आएंगे। अच्छा तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पेपॉल वो तो चलता नहीं है, तो जो हम यूज कर रहे थे वो पायनियर सर। यहाँ हमारे पास ज्यादातर जो अभी एक लॉन्च हुआ था 1 साल पहले शायद पैसे के नाम से वो भी आपको एक सपोर्ट करता है जिसके थ्रू आप जो है अपने पैसे विथड्रॉ करवा सकते। अब दूसरी बात पैसे जब आप विथड्रॉ करवाते हैं तो आपका कम से कम जो काम किया हुआ हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो $100 होने चाहिए अगर आप फाइनेंस वगैरह के थ्रू विथड्रॉ करो तो $100 आपकी इनकम होनी चाहिए, टैक्स वगैरह काट के उनकी कमीशन सारी चीज़ें टैक्स तो पहले करते हैं। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अकाउंट कैसे बनेगा, तो भाई पहले तो आप डिसाइड कर लेंगे किस तरह के प्लेटफॉर्म से आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो अगर आप बिगिनर हैं तो भाई फाइवर से स्टार्ट करें, और उसका अकाउंट बनाना बिल्कुल इजी है, यूट्यूब कहीं पे भी आप चले जाओ, या अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं या बाकी भी हैं तो हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे किस तरह से एक बनाते हैं किस तरह से अकाउंट बनाते हैं सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मैं ऑलरेडी 2 सेमिनार्स अटेंड करके दे चुका हूँ, तो कुछ बच्चों ने अकाउंट बनाए हैं वो काम कर भी रहे हैं कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंट बनाना मसला नहीं होता, अकाउंट को मेंटेन करना उस पे काम लेना ये बहुत बड़ा समझ है हमारे पास सर। अच्छा बच्चे ये करते हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है और वो कहते हैं जो हमने सीखा है उसके लिहाज से काम नहीं, तो भाई देखिए कुछ खुद को भी करना पड़ता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक सेमेस्टर में 6 स्किल पढ़ाते हैं तो 6वें प्रोजेक्ट नहीं बनता, हम आपको 1 स्किल से प्रोजेक्ट बनवाते हैं, ठीक है। और एक उस प्रोजेक्ट के अंदर 3 स्किल वैसे भी यूज हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेब डेवलपमेंट का कोई बच्चे से काम करवाता हूँ तो बूटस्ट्रैप एचटीएमएल सीएसएस एंगुलर वैसे यूज हो जाता है, ठीक है। अब आपको कुछ खुद ग्रो करना है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से थोड़े परेशान है, वो कह रहे हैं कि हमें जो है ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, तो मैं बिगनर्स के लिए बोल सकता हूँ कि भाई हाँ बेशक आपका एक वैलिड रीजन है कि आप नए हैं आपके लिए शायद मसला हो उसको सीखने के लिए, लेकिन हमारे एडवांस बच्चे हैं या जो संभले एक सेमेस्टर भी पढ़ चुके हैं तो उनके लिए मसला नहीं होना चाहिए। भाई देखें आपकी फील्ड ऐसी है जिसमें आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट है,
अपने आप पे डिपेंड करते हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते। फ्रीलांसिंग है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करोगे ना, आप डिजाइनर है डिजाइनिंग करेंगे, दैट्स ऑल। आप डेवलपर है डेवलपिंग करेंगे, डिजाइनिंग से आपका कोई वास्ता नहीं। प्रोजेक्ट कैसे लेते हैं आपका कोई वास्ता नहीं। क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपका कोई वास्ता नहीं है। भाई यहाँ पे सब आप है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे ऑर्गेनाइजेशन का हर एक स्किल आप है, यानी आपकी सब कुछ है, पर आपको ही सब कुछ करना है। अभी तो अगर देखा जाए तो जो ये लॉकडाउन जो हुआ है तो सबसे ज्यादा अर्निंग में गए थे फ्रीलांसिंग वालों की। फ्रीलांसिंग क्योंकि हर कोई बंद है। अच्छा, सबसे पहले जो अभी हमारी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एवरी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी क्लोज, तो इस हालात में भी बहुत सारे फ्रीलांसिंग पे भी इफेक्ट पड़ा। ऐसा नहीं कि फ्रीलांसिंग पे वही मार्केट है, नहीं, फ्रीलांसिंग पे भी मार्केट डाउन हुई है, लेकिन इस तरह का काम है, अगर आपका अच्छा अकाउंट है या आपका पुराना अकाउंट है और आपने कुछ काम किया हुआ है तो उसकी बेसिस पे काम मिल रहा है और आप थक जाओगे काम कर कर, इतना काम है, ठीक है, इस तरह से। चले तो आज के सेशन यहीं तक एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, अच्छा एक दो क्वेश्चन है। अच्छा, आप YouTube से भी देख सकते हो, बेशक कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप कहोगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पे देखे हो कमेंट्स में कि कुछ नए भी स्टूडेंट हैं हमारे, तो उन स्टूडेंट को शायद अभी तक वो सेमिनार नहीं दिया गया, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू ऑल काइंड ऑफ सेमिनार्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्किल्स, जो हमें आता है हम आपको सब देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए आपको जो आता है, अगर आप फॉरवर्ड करते हो, हजरत अली पाक का भी कॉल है कि अगर आपको इल्म आता है और अगर आप शेयर करते हैं तो बेशक बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। तो जो आता है शेयर करें, तो उससे आपके स्किल तो बढ़ेगी, बाकी जो आपसे सीखेंगे शायद वो भी कुछ अपने लिए करें। शेयर करने से ठीक हो गया, तो यहीं तक आज का सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारी किसी और टेक्नोलॉजी पे होगा, तो इस कमिंग वीक में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू लॉन्च अदर सेशन अबाउट एनी काइंड ऑफ अदर टेक्नोलॉजी।